बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो उन गैर मुल्कियों के लिए बहुत अहम है जो पाकिस्तान इंडिया छुट्टी गए और कोरोना बहरान के दौरान सऊदीया की फ़्लाइट्स बंद हो जाने की वजह से उनके अकामी और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गए और उनकी कंपनी या कफील ने उनके अकामी और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करने के बजाय खुद ही कैंसिल करवा दिए। और बाज़ ऐसे लोग जिनके अकामे और एग्ज़री एंट्री वीज़ा को कंपनी या कफील ने एक्सटेंड ही नहीं किया और उनके अकामे और एग्ज़री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गए, तो वो कैसे नए वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। नाज़रीन, तफसील जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरी मालूमात हासिल हो सके। नाज़रीन, एक इंडियन शहरी ने कमेंट्स करके पूछा है कि मेरा भाई 1 मार्च 2020 को सऊदीया से छुट्टी आया था और कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगने से सऊदीया वापस नहीं जा सका, तो कंपनी ने एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा खुद ही कैंसिल कर दिया, तो अब मेरा भाई सऊदीया में न्यू वीज़ा लेकर किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए जा सकता है क्या। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको एक बात वाजिया कर दें कि ऐसे बहुत से पाकिस्तानी इंडियन शहरी हैं जो छुट्टी गए थे तो सऊदीया की फ़्लाइट्स बैन होने की वजह से वापस नहीं आए, तो उन पर सऊदी जवाजात ने 3 साल की पाबंदी लगा दी है और उन्हें खुरूज वल्लम याद की कैटेगरी में डाल दिया है, यानी कि सऊदीया से छुट्टी गए और मुमलिकत वापस नहीं आए तो उस पर खुरूज उदा की खिलाफ वर्जी की वजह से 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि 3 साल का बैन जो है ये किसी नई कंपनी के लिए होता है, यानी कि आप पर 3 साल की पाबंदी है तो आप किसी नई कंपनी या कफील या मुसस्सा में मुमलिकत नहीं आ सकते, लेकिन आप सेम कफील कंपनी जिससे आप छुट्टी गए थे और वापस नहीं आए उसी के पास अगर आप वापस आना चाहते हैं तो वो नया वीज़ा जारी करता है, तो उस नए वीज़े पर आप अपने पहले वाले कफील या कंपनी में सऊदीया आ सकते हैं, आप पर 3 साल की कोई बैन नहीं है। नाज़रीन, बहुत अहम बात है, आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसी गलती करते हैं, किसी और कंपनी या कफील का वीज़ा ले लेते हैं और जब सऊदी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है कि आप पर 3 साल का बैन है। बैन के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे अकामे पर कितने साल का बैन है और कितने अरसे तक हम सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। नाज़रीन, जवाजात या वजारत खारजिया की जानिब से ऐसे कोई भी प्लेटफार्म नहीं दिया गया जिससे हम ऑनलाइन चेक कर सकें कि आप पर कितने साल का बैन है और आपका बैन कब ख़त्म होगा। लेकिन नाज़रीन, अगर आप पर्सनली जवाजात से राबता करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार बहुत आसान है। पहला ये कि आप सऊदी जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर सकते हैं और सऊदी जवाजात आपको बहुत जल्द रिप्लाई करेगी। नाज़रीन, दूसरा ये कि सबसे बेहतर और अहम तरीका है सऊदी जवाजात को ईमेल करना। आपको ईमेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने जवाजात का ईमेल एड्रेस दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके ईमेल करें और आपको सऊदी जवाजात फौरी तौर पर आपके ईमेल का जवाब देगी। नाज़रीन, आपको ईमेल में अपना पुराना कामा नंबर और एग्ज़िट एंट्री वीज़ा नंबर लिखना है और पासपोर्ट का नंबर ज़रूर लिखना है जिससे आपको बताया जाएगा कि आप पर बैन तो नहीं है और अगर बैन है तो कितने साल का है और कब ख़त्म होगा। नाज़रीन, आप अपना सारा मसला उस ईमेल में लिखकर जवाजात को सेंड कर दें, इंशाल्लाह जवाजात आपको आपके तमाम मसाइल का जवाब देगी और फिर तभी आप सऊदी आने के लिए न्यू वीज़ा लें, ऐसे आप अपना पैसा खर्च ना करें क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया है। आपको जवाजात का ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप खुद अपना मसला जवाजात से ईमेल के ज़रिए हल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।